हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। इस कोरोना की महामारी में दोस्तों, मैं पूनम धामी और आप मेरे साथ में हैं, मेरे पति मनोज और आप सभी का हम अपने चैनल न्यू डब्ल्यू में स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारे पंछी बुलबुल का ब्लॉग लेके आए हैं। दोस्तों, यह बुलबुल का कपल जोड़ा है जो अपने बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं। भरण पोषण यानी अपने बच्चे की परवरिश, या बोल सकते हैं कि पाल रहे हैं। दोस्तों, यह बुलबुल के 5 बच्चे थे, जिसमें से 4 बच्चे को हमारे अक्कू ने खा दिया। अक्कू यानी हमारा डॉगी है, बहुत बदमाश है। बेचारा बुलबुल के 4 बच्चों को अपना निवाला बना गई। अब इनके पास एक ही बच्चा बचा है जो हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये बच्चे को हमने 3 दिन तक अपने पास रखा इसकी सेफ्टी के लिए, ताकि अक्कू इसको भी कहीं हजम न कर दें। अब 4 दिन बाद ये बच्चा बड़ा हो गया है, आराम से उड़ सक रहा है और अपने मम्मी पापा के साथ खेल रहा है। और इसकी मम्मी पापा रोज़ दिन में इसको फल और कीड़े मकोड़ों का भोजन करा रहे हैं। जैसे शाम हो जाती है, हम इसको अपने रूम पर एक कार्टन में रख देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खेलना, और इसको भी अच्छा लगता है हमारे साथ। किसी किसी टाइम हमारे हाथ पर भी बैठ जाती है। एक शाम तो यह गायब हो गई थी और पूरी रात बारिश में भीग कर इसका बहुत बुरा हाल हो गया था। दूसरे दिन बहुत फिर से मिल गई और उसी दिन शाम होते होते अपने मम्मी पापा के साथ उड़ गई और अपने सफ़र में चली गई। दोस्तों, यह बुलबुल अनेक प्रजाति के होते हैं। बुलबुल के प्रजाति का नाम सिपाही है। यह भारत के लगभग सभी राज्यों में देखने को मिल जाती है। यह बहुत सुंदर होती है और बहुत ही शानदार लगती है, और इसकी आवाज़ भी बहुत ही मीठी और सुरीली होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें आशा है कि आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहें लास्ट तक, और लाइक कमेंट शेयर, जो हमारे चैनल में नए हैं आ रहे हैं वो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू गाइज। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मनोज सिंह धामी, आपका भाई और आपका साथी। अभी तक आपने देखा सुना मेरी पत्नी को बुलबुल के बारे में आप सभी को बता रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम कुमाऊँ से बिलोंग करते हैं, तो कुमाऊँ में दोस्तों बुलबुल को टेपलिया बोलते हैं, आप सभी को पता है जो कुमाऊँ से हैं। और बचपन में हम इनके घोंसलों से अंडे निकाल देते थे, फिर हम इन अंडों के साथ खेला करते थे। अभी तो ये अंडे जेब में ही टूट जाते थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे अपने बच्चे को ये फल खिला रहा है बुलबुल। बहुत मेहनत से ये टूट डांट के अपने बच्चे के लिए फल लेके आ रहे हैं। बाद में दोनों मियाँ बीवी इसको खिला रहे हैं। ये इसका बाप है शायद, अभी ये फल को खुद ही खा जाता है। बेचारे को बहुत भूख है इसके बच्चे को, और इसके बाप को पता नहीं अपनी भूख मिटाने की हो रही है।
एक ही बच्चा बचा है दोस्तों, जैसे कि पूनम ने आपको बताया। ओह पॉटी कर दी इसने अभी, पूरा दिन भर इसको खिला रहे हैं दोस्तों ये दोनों मम्मी पापा लोग। जैसे खा रहे इसको हजम नहीं हो रहा, इसका हजमा ठीक नहीं है शायद अभी। अभी ये दूसरा दिन है इसका हमारे साथ जब से रहा है, अभी इसकी मम्मी आई है, बहुत अच्छे से इसको खाना खिलाएगी। बहुत ही प्यार से ये खाना खिलाती है अपने बच्चों को। बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों। दोस्तों ये ब्लॉग शूट करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों ये ब्लॉग। अभी इसका पापा आ गया, फिर से आते ही उड़ गया, कुछ लाया नहीं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसको, रात भर हमारे साथ रोई रहती है और दिन भर ये खाना खाने में रहती है इधर बैठे बैठे। अभी इसका पापा पता नहीं क्या देख रहे हैं, इसके लिए चारा वारा ढूंढ रहे हैं। ये दोनों की बहुत मेहनत लग रही है दिन भर, शायद ये अपना पेट भी नहीं भर रहे हैं, पूरा इसी को खिला रहे हैं। अभी और इसका ही पापा आया, कुछ हरा फल लेके आया है, इससे इसका हाजमा ख़राब हो रहा है शायद। अभी इसकी मम्मी आई, थक गया बेचारा ये। देख रहा है किधर से चारा लाएगा, समझ में नहीं आ रहा इसको कितना खा रहा है करके इसका बच्चा। बहुत प्यार करते हैं इसको, पूरी रात इसको मिस करते हैं क्योंकि ये हमारे साथ सोता है रात को, फिर दिन में हम इसको बाहर रखते हैं तो ये दोनों आके इसको खाना खिलाते हैं। अभी बहुत बड़ा कीड़ा ला के आया है ये, वाह पूरा खा गया है कि मैं उक्कड़ हो गया ये। अभी और फल लेके आया इसका पापा, पूरे दिन खा खा कर रहा है ये, खा रहा है पॉटी कर रहा है। दोस्तों इसका तीसरा दिन है आज, अभी और इसका पापा लेके आया इसके लिए अच्छा मटन। बहुत डरपोक होते हैं ये बुलबुल पक्षी, आदमी को देख कर डरते हैं, इसलिए वो सब चारों तरफ देख रहे हैं, उसके बाद खाना को दे रहे हैं अपने बच्चे को। दोस्तों लाइक कमेंट करना ना भूलिए प्लीज। और सपोर्ट करते रहे दोस्तों, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। कैसे लगी ये बुलबुल की छोटी मोटी कहानी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों मेरी बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, पूरा धूप में खड़ा रहना पड़ा मेरे को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।
बहुत बड़ा मटन लेके आया इसका पापा भी इसके लिए। लगता है इसको नहीं खिलाएगा ये, बहुत चालाक है इसका पापा, खुद ही खा जाता है, उसके मुंह में डाल ही नहीं रहा। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें इतना सपोर्ट दिया, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम संडे को लाइव भी करते हैं बीच बीच में, अभी कोरोना की वजह से कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ये ब्लॉग मैंने अपने घर पे ही शूट किया है। आई होप कि यह ब्लॉग आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, यूं ही प्यार बनाए रखें, इस कोरोना काल में अपना ख्याल रखें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।